हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस एकेडमी हमने जो पिछले लेक्चर में किया था हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ठीक है प्रॉपर्टीज से हमें हेल्प मिलेगी आइगन वैल्यूज़ को और भी ज़्यादा जल्दी कैसे शॉर्टकट के तरी, तरीके से निकाल सकते हैं तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में याद रखते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो बाकी लाइक और शेयर कर दो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द सम ऑफ ऑल रोज इज सेम देन इट विल बी इक्वल टू वन ऑफ द आइगन वैल्यूज हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो भी आपकी रोज है जैसे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो उनका सम करेगी अगर वो सम हमारा सेम आता है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो का हमने सम किया थ्री आया सेकेंड का भी थ्री थर्ड का भी थ्री तो दैट मीन्स वो हमारा एक आइगन वैल्यू है ठीक है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं तो फर्स्ट तो होगी सेकेंड इफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स तो क्या कहने का क्या मतलब है ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगनल्स ठीक है जो डायगनल्स है उनके सम उनका सम कर दो उसी को हम ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलते हैं तो आपको क्या करना है डायगनल का एलिमेंट्स है उनका सम करना है वो जितना भी लेमडा वन लेमडा टू अगर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है जैसे ये वन टू थ्री टू है सपोज आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स क्या? तो ये आपके ट्रेस ऑफ ए है वन प्लस टू तो वन प्लस टू इक्वल होगा आपको पता है ये क्रॉस मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू होगी एक लैमडा वन एक लैमडा टू तो विच इज इक्वल टू तो ट्रे ट्रेस ऑफ ए बस ये ठीक है अगर थ्री होगी तो लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगनल ठीक है डायगनल्स का जो भी सम होगा थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दट मैट्रिक्स सेम थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यूज जैसे यही क्वेश्चन है तो यहाँ पे कितनी आइगन वैल्यूज है टू आइगन वैल्यूज होगी लैमडा वन और लेमडा टू इसका प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा इनके डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा टू माइनस सिक्स तो टू माइनस सिक्स कितना हुआ माइनस फोर तो एक इक्वेशन ये आई यहाँ से एक इक्वेशन ये आई ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ये सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है सॉरी ये सेकेंड अप्लाई हो रही है ये थर्ड हो रही है फर्स्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो है वन और टू तो उनका सम कितना आ रहा है थ्री नेक्स्ट है थ्री प्लस टू उसका सम कितना आ रहा है फाइव तो ये सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है अगर सेम आता तो उसमें क्या होता फिर यार लेमडा वन और लेमडा टू एक की वैल्यू मेरी पता चल गई होती यहां पे क्लियर ओके नेक्स्ट है इफ एनी मैट्रिक्स हैज इफ एनी मैट्रिक्स हैज यूटीएम यूटीएम क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स ऐसा दिया है तो सिंपल जो उसके डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज होती है आई रिपीट सपोज मेरे पास दिया है ए मैट्रिक्स फोर सिक्स सेवन जीरो फाइव नाइन जीरो जीरो टू ए के मैट्रिक्स दिया है और मैंने पूछा है कि आप बताइए आइगन वैल्यूज क्या होगी तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बन रहा है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है डायगनल्स के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या अगर जीरो है तो इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं तो मुझे यहां करने की जरूरत नहीं है लेमडा वन लेमडा टू एंड लैमडा थ्री मेरा एक फोर है एक फाइव है एंड नेक्स्ट टू है ये मेरी आइगन वैल्यूज होगी तो आपको क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है पेपर में ध्यान से लिखिएगा ठीक है तो अगर उसमें से अगर क्वेश्चन आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसे वन जीरो जीरो वन तो आपकी वैल्यू क्या है लेमडा वन और लेमडा टू वन वन ही है या आइडेंटिटी uh, मैट्रिक्स है या डायगनल मैट्रिक्स है क्लियर हुआ ये सब तो फोर्थ प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर है नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज अब देखिए जो पहले आपको सिखाया था कि आप डायरेक्ट इक्वेशन निकालिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर रूट लीजिए तो इससे बेहतर है पहले आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आप फर्स्ट रो को का सम कीजिए सेकंड रो का भी आप सम कीजिए तो कितना आ रहा है थ्री आ रहा है तो बस दैट मीन्स ये हमेरा क्या है वन ऑफ द आइगन वैल्यूज है तो दैट मीन्स यहां पे दो क्रॉस दो है मैट्रिक्स तो दो वैल्यूज होगी एक लैमडा वन एक लैमडा टू होगी तो एक हमारी आ चुकी है लैमडा थ्री लैमडा वन इज इक्वल टू कितनी आ चुकी है थ्री आ चुकी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड क्या थी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ये था कि नहीं तो दैट मीन्स लैमडा वन प्लस लैमडा टू ट्रेस ऑफ ए क्या होता है इसका क्या करना है सम करना है माइनस वन माइनस वन कितना हुआ माइनस टू अब यहाँ पे पहले ही पता है लैमडा वन थ्री है तो लैमडा टू आपका डायरेक्ट ही निकल गया माइनस फाइव और अगर आपको ट्रिक थ्री भी देखनी है कि सही है कि नहीं तो डिटर्मिनेंट कितना है आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लैमडा वन कितना है थ्री टू कितना माइनस फाइव तो कितना आना चाहिए डिटर्मिनेंट आपका माइनस फिफ्टीन चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये देखिए यहाँ पे वन माइनस माइनस फिफ्टीन दैट मीन्स ये ट्रू है तो आपकी एक प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी ये और एक प्रॉपर्टी ये याद रखिए प्लीज ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए फाइन दिन का है ऐसे निकालेंगे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ध्यान देंगे कौन सा मैट्रिक्स है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इससे नीचे देखिए सारे सारे एलिमेंट कितने क्या है जीरो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है डायगनल मैट्रिक्स है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जो आपके इसके लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा फोर मतलब आइगन वैल्यूज फोर क्रॉस फोर है तो फोर आइगन वैल्यूज होगी क्या होगी एलिमेंट्स जो आपके डायगनल एलिमेंट्स है वन टू माइनस टू एंड माइनस वन डायरेक्ट निकला है फिर आइगन वैक्टर्स आप निकाल सकते हैं इजिली अब कुछ प्रॉपर्टीज है और भी देखिए इजी है ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल जो आइगन वैल्यूज होगी किसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए अब अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है ठीक है तो ये पता होना चाहिए पहले जो आइगन वैल्यूज है वो रियल होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या, क्या होता है ए थीटा इज इक्वल टू ए और ए थीटा क्या होता है कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज कर लीजिए ठीक है ये पता होना चाहिए कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी हमेशा रियल होगी ठीक है

वीडियो बनाया इस पे वो देखिए थी आप ठीक है तब आपको समझ आ जाएगा बस मेरा कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए कि हरमिशियन मैट्रिक्स दिया है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होती है एंड स्क्यू हरमिशियन दिया है तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो जीरो या फिर प्योरली इमेजनरी होगी नेक्स्ट और अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स उसका क्या क्या होती है वैल्यूज यूनिट मॉडुलस होता है अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है पी डैश पी इक्वल टू आई ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है एंड यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है पी थीटा पी इक्वल टू आई ये अगर आपको पता है तो उनका क्या होता है आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस क्लियर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए लेमडा आपका सपोज आइगन आइगन वैल्यू है लेमडा तो लैमडा डैश मतलब ए डैश की वैल्यू भी सेम ही होती है तो वो किसके इक्वल है आई यहाँ पे मैंने पी क्या ले लिया लेमडा तो पी डैश भी लेमडा ही होगा क्योंकि ए और ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू है वो सेम होती है तो ये कितना बन गया लेमडा स्क्वेर इक्वल टू आई तो लैमडा इक्वल प्लस माइनस वन यूनिट मॉडुलस हो गया यहां भी वैसे ही कर सकते हैं अगर याद नहीं रहता तो अगर आपको ऑर्थोगोनल पता है क्या है वहां आप पुट कर दीजिए तो आपको पता हो जाए इज़िली आ जाएगा क्लियर है नेक्स्ट है है आपका मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज़ होती है, या तो जीरो होगी या वन होगी बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू देखिए क्या मतलब है आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए एस केयर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स एस केयर इक्वल टू ए अगर मैं यहाँ पे ए स्केयर माइनस ए इक्वल टू जीरो कर दू और अगर मेरी वैल्यू आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए स्केर की भी क्या होगी लैमडा स्केयर प्रॉपर्टी है ये मैं बता बताऊंगी आपको कि अगर कोई आपकी ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए स्क्र जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी लैमडा स्क्यर होगी ए क्यू जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी लैमडा क्यूब होगी तो अगर आपको ये याद है कि आइडम पोर्टेंट होता क्या है तो आप ऐसे लैमडा पुट करके चेक कर सकते हैं यहां से लेमडा कॉमन लैमडा माइनस वन देखो क्या आई लेमडा एक जीरो आया और लैमडा एक वन आया दैट मीन्स आइगन वैल्यूज फॉर आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स इज जीरो एंड जीरो और क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज है जीरो एंड वन तो ये जरूरी नहीं है कि यह आइडम पोर्टेंट मेट्रिक इट इज नॉट नेसेसरी आइडम पोर्टेंट मेट्रिक्स कि अगर ये जीरो एंड वन है ठीक okay. है ओके नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मेट्रिक्स इनवॉलेंट्री मेट्रिक्स होता क्या है ए स्केर इक्वल टू आई ये होता है इन वॉलेंट्री मैट्रिक्स और यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं लैमडा की वैल्यू ए की ए मैट्रिक्स की वैल्यू लेमडा है तो ए स्केयर जो matrix है, I, तो तो इन्वैलें, मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लैमडा होगी इक्वल टू आई तो लैमडा इक्वल टू प्लस माइनस वन ठीक है तो देखिए आइगन वैल्यू फॉर इन वैल इन वॉलेंट्री मैट्रिक्स इज वन और माइनस वन ऐसे आप याद रख सकते हैं अगर आपको वैल्यूज याद है रटा मारने की जरूरत नहीं है अगर आपके आपको इनकी डेफिनेशनस पता है अब देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स ए एंड ए डैश हैव द सेम वैल्यूज ये याद होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आइगन वैल्यू 2 है तो ए डैश मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी ये कहने का मतलब है नेक्स्ट इज आइगन वैल्यूज ऑफ एड्जॉइंट ए मतलब अगर ए एड्जॉइंट आइगन वैल्यू पता करनी है तो ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है सपोज एक मेरा मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है वन टू एंड थ्री एक आपके पास मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का एक आपके पास मैट्रिक्स है ठीक है ए कौन सा थ्री क्रॉस थ्री का तो उसकी जो आइगन वैल्यूज आपको सपोज गिवन दी हुई है ठीक है तो आपको पूछा है आप बताओ एट ए क्या होता है तो एट ए क्या होता है डिटर्मिनेंट मतलब सॉरी एड ए की आइगन वैल्यूज क्या होती है ठीक है ए डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा अब देखिए एक प्रॉपर्टीज है अब आपको पास ए पता ही नहीं है सिर्फ आपके पास क्या पता है आइगन वैल्यूज पता है लेकिन ए मैट्रिक्स है क्या वो नहीं पता ना तो आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं ए डिटर्मिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज सिखाई थी प्रॉपर्टी एक थर्ड की प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज तो बस हो गया ए डिटर्मिनेंट निकल जाएगा मेरा यहां से मुझे आइगन वैल्यूज़ पता है हो गया तो मेरा काम हो गया कि ए डिटर्मिनेंट मेरा कितना है सिक्स और लैमडा क्या है तो पहला लेमडा है मेरा वन तो सिक्स बाय वन ये पहला एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू है फिर दूसरा सिक्स बाय टू तीसरा सिक्स बाय थ्री ठीक है तो दैट मीन सिक्स थ्री एंड टू ये आइगन वैल्यूज है फॉर एंट ए के लिए तो अब देखिए मेरे को मैट्रिक्स भी नहीं पता था कि ए मैट्रिक्स क्या है ये पता है कि वो थ्री क्रॉस थ्री है ऑर्डर का है बट ये नहीं पता उसके एलिमेंट्स क्या है बट मुझे डायरेक्ट दिया था कि आपके पास आइगन वैल्यूज की है वन टू थ्री तो मैंने प्रॉपर्टी यूज की एक थर्ड प्रॉपर्टी यूज की कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज वहां से डिटर्मिनेंट निकाल दिया और यहां पुट कर दिया ठीक है तो ए ओवर लैमडा मतलब लैमडा लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री कुछ भी हो सकता है तो अगर थ्री क्रॉस थ्री का है तो थ्री एड जॉइंट एड ए की थ्री आइगन वैल्यूज आएगी टू है तो एड जॉइंट ए की टू आइगन वैल्यूज आएगी आई होप आपको समझ आ रहा है कहना क्या चाह रही हूं क्लियर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपके पास कितना भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है ठीक है ए मैट्रिक्स है अब उसकी आइगन वैल्यूज इतनी सारी है टू क्रॉस टू होता तो दो होती थ्री क्रॉस थ्री होता तो थ्री होगी एन क्रॉस एन है तो इतनी सारी आइगन वैल्यूज है ठीक है एन आइगन वैल्यूज ऑफ स्केर मैट्रिक्स ए फिर क्या क्या होगा आइगन वैल्यूज ऑफ के ए क्या होगा बस के से मल्टीप्लाई कर दो कहने का क्या मतलब है कि अगर लैमडा की वैल्यू लैमडा वन लैमडा टू आपके पास एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू का ठीक है ए की वैल्यू वन है दूसरे की वैल्यू थ्री है ये दी है तो मैंने पूछा है आपके पास के लैमडा वन बताओ तो कितना हो जाएगा के इंटू वन के लैमडा टू बता दो तो हो जाएगा के इंटू थ्री तो ये k हो जाएगा ये थ्री के हो जाएगा k कुछ और नंबर भी हो सकता है ठीक है थ्री तो थ्री इंटू अगर के थ्री है तो थ्री इंटू वन और यहाँ थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा सिमिलरली आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है सेकंड प्रॉपर्टी बता रही हूं ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए इनवर्स ए मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज गिवन है ठीक है जैसे ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यही है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी ए इनवर्स की तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी वन बाय वन और वन बाय थ्री देखिए वन बाय लेमडा वन वन बाय लेमडा टू बस इनवर्स कर देना है तो ये आपकी लेमडा वन वैल्यू इनवर्स की है ये लेमडा टू वैल्यू इनवर्स के लिए ठीक है ए इनवर्स की दो वैल्यू होगी वन एंड वन बाय थ्री इज क्लियर एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये मैंने पहले भी बताई थी कि अगर ए आपके पास पता है ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है लैमडा वन की वैल्यू टू लैमडा टू की वैल्यू थ्री मान लीजिए ये आपके पास टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है ये लैमडा वन है ये लैमडा टू और मैंने पूछा है ए स्क्वायर बताओ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लैमडा वन हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर और लैमडा टू हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर ए की आपके पास आइगन वैल्यू पता है तो ए स्केयर की क्या होगी उसका स्केयर कर दो सिमिलरली अगर ए क्यूब की आइगन वैल्यू पता है तो उसका क्यूब कर दो सॉरी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता है तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज के लिए उनका क्यूब कर दो ठीक है और ए इनवर्स के लिए क्या कर दो अपॉन कर दो रेसिप्रोकल कर दो इज दैट क्लियर तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद करनी है याद रखनी है ठीक है बिल्कुल इससे क्या होगा आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे प्लस लैमडा स्क्वेयर ये वाला माइनस ए प्लस डी लैमडा प्लस ए डिटर्मिनेंट इस मेथड से भी कर सकते थे देन आइगन वैल्यूज निकल जाती बट जब आपको प्रॉपर्टीज याद है तो कितना ईजी है कभी कभी एग्जाम में सिर्फ आइगन वैल्यूज पूछी होगी तो वो बहुत इजी हो जाएगा तो आप ये प्रॉपर्टीज याद करिए और कभी कभी डायरेक्ट पूछा होता है कि आप आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स दिया होगा उसके आइगन वैल्यू बताइए तो जीरो और वन ऑप्शन होगा तो वही आपकी वैल्यूज होगी चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक प्रैक्टिस कीजिए और जो हम वीडियोस डालते हैं उसको भी देखिए डेली ठीक है Thank you very much.